चंद हुकूमती मावनीन और वुजरा ने नवाज शरीफ की तकरीर नशर करने पर कानूनी चारा जोई की तैयारी की। ज़राए के मुताबिक वजीर आजम ने मावनीन और वुजरा को किसी भी एक्शन से रोक दिया। वजीर आजम ने कहा कि नवाज शरीफ अपनी तकरीर से अवाम में खुद एक्सपोज होंगे। नाअहल शख्स ने मुल्क बर्बाद कर दिया, सरमायाकारी खत्म हो चुकी। 1 करोड़ नौकरियों का झांसा देने वालों ने 1.25 करोड़ नौकरियां छीन ली। नालायक हुकूमत ने हर मामले पर यू टर्न लिया। नवाज शरीफ का एपीसी से खिताब, कहते हैं सीपैक के साथ भी बीआरटी वाला सलूक हो रहा है। क्या बनीगाला में जमीन की खरीद की मनी ट्रेल पर जेआईटी नहीं बनेगी? नैब पर तनकीद करते हुए कहा कि नैब का इदारा बदबूदार हो चुका है, जल्द यो में हिसाब आएगा। चेयरमैन नैब इंतकाम के एजेंडे पर अमल करते हैं। साथी दोने हैं जिनको सियासत का पता नहीं, ये इस तकरीर के बाद और इस एक्सी के बाद पहला बंदा मैं ही जेल में होऊंगा, मगर मौलाना साहब से रिक्वेस्ट है कभी मुलाकात पे तो आइएगा। पीपल्स पार्टी की मेजबानी में अपोजिशन की एपीसी, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का अपोजिशन की एपीसी से वीडियो लिंक पर खिताब। खिताब करते हुए कहना था कि सिर्फ हुकूमत गिराने नहीं आए, इस हुकूमत को निकाल कर जमहूरियत बहाल करके रहेंगे। ना समझ सियासी बोनों को सियासत का पता नहीं, बोले आज की तकरीर के बाद पहला बंदा मैं हूँगा जो जेल में हूँगा। एबीसी में शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और फजल रहमान समेत दीगर रहनुमा भी शरीक। एहतसाब के नाम पर अंधा इंतकाम लिया जा रहा है, शहबाज शरीफ का एबीसी से खिताब। कहा एहतसाब करना होता तो काबीना से शुरू करते, हुकूमत हर लिहाज से नाकाम हो चुकी है। आज मुल्क में महंगाई आसमान से बातें कर रही है, अब खामोशी इख्तियार की तो हम इस जुर्म का हिस्सा बन जाएंगे। गंदुम और चीनी स्कैंडल की जिम्मेदार यही हुकूमत और वजीर आजम है। अवाम को इस अजाब से आजादी दिला कर रहेंगे, आइंदा नस्ल के लिए अपोजिशन जमातों को हकीकी जमहूरियत का मुतालबा करना होगा। अपोजिशन की एपीसी के मेजबान बिलावल भुट्टो का खिताब, बोले हुकूमत इस वक्त पार्लियामेंट पर काबिज है, हमें अपने ऐवानों को आजाद कराना है। एमक्यूएम का कराची के अवाम को हकूक दिलाने के लिए एहतजाजी रैली का ऐलान। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं मुल्क में जहां भी हक तलफी हो रही है वहां सूबे बनाए जाएं। 1100 अरब की खैरात शहर में लगाने और मसाइल के हल के लिए अवाम को सड़कों पर आना होगा। एमक्यूएम का जमात इस्लामी के हकूक कराची मार्च की हिमायत का ऐलान। भारत रूस में होने वाली फौजी मशकों के वकास 2020 से आखिरी वक्त में भाग गया। भारत मशकों में पाकिस्तानी और चीनी दस्तों की मौजूदगी से भागा। भारत की अगस्त तक इन मशकों में शिरकत की मुकम्मल तैयारी थी। डीजीआई एसपीआर ने बताया कि फौजी मशकें के वकास 2020 रूसी शहर अस्तरखान में होंगी। फौजी मशकें 21 से 26 सितम्बर तक जारी रहेंगी। फौजी दस्तों के मुख्तलिफ चैलेंजेस पर रद्द अमल को जाँचने का मौका मिलेगा। केव का स्ट्रेटजिक कमांड मशकों में तकरीबन 80,000 अहलकारों की शिरकत मुतवज्जे। पाकिस्तान का 3 कश्मीरियों के कत्ल की आलमी निगरानी में जुडिशियल इंक्वायरी का मुतालबा। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है कि कश्मीरी शौकिया में सेब के बागात में मजदूरी करने आए थे। तीनों कश्मीरियों को नाम निहाद ऑपरेशन में शहीद किया गया। काबिज अफवाज ने लाशें अहल खाना को देने के बजाय कब्रिस्तान में दफन कर दी। ऑरेंज लाइन ट्रेन का ट्रायल रन शुरू। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा कहते हैं ऑरेंज लाइन ट्रेन का जल्द इफ्तिताह कर दिया जाएगा। ऑपरेशंस और मेंटेनेंस का काम मुकम्मल कर लिया गया है, अमले की भर्ती भी जारी है। गंदा पानी पीने से मेरा मुर्गा मर गया, हम भी मर जाएंगे। बिलावल आएं और हमें गंदे पानी से बचाएं। सैलाबी पानी में दुहाई देते बच्चे की वीडियो वायरल।